प्यार से रिक्वेस्ट करी जा रहा हूँ और तुम अकड़ी जा रही हो। एक मिनट श्रवण, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप घर वालों को सब कुछ सच सच बता दें, आपने नहीं बताया ना, तो अब आपको जो सोचना है वो सोचिए। काट दिया, डैम इट। क्या हुआ श्रवण, किसने फोन काट दिया? कुछ नहीं मैं, ये कॉल सेंटर वाले परेशान करते रहते हैं ना, ये ले लो वो ले लो, कुछ बात बोल दो तो फोन काट देते हैं बदतमीज। तू साची से बात नहीं कर रहा था? साची से नहीं, नहीं। सच कह रहा है तू? साची से तेरी अनबन तो नहीं हुई है ना? नहीं मां, साची से मेरी अनबन क्यों होगी, वो तो हाँ माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ठीक है। मैं साची को मिस कर रहा हूँ, हो सकता है मतलब ठीक है यार आदत पड़ गई है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि मैं उसकी तरह पगलाने लगूँ। अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से आएगी। यहाँ बैठो और सबसे पहले ये बताओ कि मुंबई में तो बड़ा मजा आया होगा ना? बहुत। अच्छा दीदी, समुद्र के किनारे क्या सचमुच इतना मजा आता है? और जिन दिनों आप गई थी उन दिनों तो बहुत बारिश हुई होंगी। दीदी आप और जीजू बारिश में भीगे तो जरूर होंगे, है ना? मजेदार रही होंगी तभी तो इसके बारे में सोच के सपनों में खो गई मैडम। हाँ श्रेया, बस उन यादों को मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। दीदी आप मायके आई नहीं कि जीजू की याद सताने लगी और ये मोटे मोटे आंसू भी। एक्चुअली ना मैं समझ रही हूँ। क्या? कि जब ससुराल में बहुत प्यार मिलता है ना तब भी ऐसा होता है। साची मेरी वो ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप्स वाली शर्ट का है यार, वो तुम्हें बॉम्बे भी नहीं ले गया था? हाँ साची, साची नहीं मुस्कुराऊंगा। श्रवण ये क्या कर रहा है? वो नहीं, वो स्माइल नहीं, हंसना मुस्कुराना नहीं। श्रवण तू, तेरी तबीयत ठीक है ना? I think so. फोटोग्राफ देखे तूने? कैसे है, अच्छे है ना? तुझे भूख लगी थी ना श्रवण, क्या खाएगा? नहीं मैंने सुबह खा लिया। तो फिर तूने माँ से क्यों कहा कि तुझे भूख लगी है? भाभी। श्रवण, तुझे प्यार हो गया ना? नहीं भाभी, वो मैं और साची बस दोस्त हैं। श्रवण मैं साची के बारे में तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो तारा के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ? तारा? हाँ, तारा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मिस कर रहा है उसे? हाँ यार, लेकिन उसको मायके जाना था तो चली गई, क्या कर सकते हैं।
हाँ मायके चली गई, अब क्या कर सकते ना, तारा अपने मायके चली गई, वो कौन किसे रोक सकता है, क्यों श्रवण? वापस तो आएगी ना। कौन? तारा? तारा कहाँ गई है यार? हाँ हाँ तारा आएगी ना। और साची? मुझसे नाराज होकर गई है, इसीलिए किसी चीज में दिमाग ही नहीं लग रहा। शायद मैं तारा को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो तू एक काम करना, तू जाकर उसे मना कर लिया, अपने मायके तो गई है वो। भाभी आपको लगता है साची वापस आएगी? श्रवण मैं तारा के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैं भी तो तारा की बात कर रहा हूँ। भाभी भाई मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, तू परेशान नहीं है, बस खोया हुआ है। तू एक काम कर, तू साची से जाकर मिल कर आ, और हाँ उसे फोटोग्राफ भी दे दे, बेचारी भूल गई यहीं पर। ओके ठीक है, आप कह रही हो इसलिए जा रहा हूँ, वैसे मैं तारा से प्यार करता हूँ। ओके अच्छा। हाँ बड़ा चेहरा पड़ने लगी हो ना, आप लो पढ़ लो। तेरे चेहरे पर तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि तू तो साची को बहुत मिस कर रहा है और उसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा है। You're wrong, dear, okay? ठीक है, तो फिर ये फोटोग्राफ मैं किसी और के हाथों भिजवा देती हूँ। नहीं 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 नहीं। आपकी बात नहीं डाल सकता। हे भगवान, दिमाग में साची, दिल में तारा, या दिल में साची, दिमाग में तारा, क्या करे श्रवण बेचारा। निधि बेटा, यूं खोए खोए से कहां चली जा रही है? तुझे श्रवण की चिंता हो रही है? नहीं नहीं दादी, श्रवण की चिंता क्यों होगी, श्रवण तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अभी तो साची के घर गया है उसे हनीमून की फोटोग्राफ दिखाने। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन जब से वो हनीमून से लौटे हैं ना, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है जैसे। ओहो दादी आप दोबारा शक करने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बहुत खुश हैं, बिलीव मी। नहीं बेटा, मुझे दोनों खुश दिखने की कोशिश करते हुए लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि दोनों वापस हनीमून से लौटे हुए जोड़े हों। क्या हो गया दादी, ऐसी क्या बात हो गई? मैं बताती हूँ, देख कोई लड़की हनीमून से लौटते ही मायके थोड़ी ही चली जाती है। दादी उसे अपने घर वालों की याद आ रही होगी, और यही तो है उसका घर, कहाँ दूर है, श्रवण के साथ वापस आ जाएगी। अब कोई नहीं है और मैं अपने सारे काम खत्म कर आई हूँ, बैठ बता मुझे क्या बात है। साची तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। कुछ नहीं मम्मी, बस वो श्रवण जी। कुछ कह दिया उसने तुझसे? हाँ हनीमून पर कोई बात हो गई? अरे तू उससे लड़कर तो नहीं आई है ना यहाँ? बेटा अगर तू मुझे बताएगी नहीं तो मैं क्या बताऊं मम्मी को, सच कहूंगी तो मैं सच कहना चाहती हूँ, मैं और नहीं जी पा रही हूँ इस झूठ के साथ, लेकिन लेकिन मेरी किस्मत में ये गम है, मैं मामी को अपने गम से दुखी कैसे कर सकती हूँ? साची जी, मामी वो श्रवण जी है ना, छोटी छोटी बातों पे चढ़ जाते। बेटा हर रिश्ते में एडजस्टमेंट होता है, जब दो लोग एक साथ रह रहे हों तो एक दूसरे की बातें चाहे कितनी भी लगे, अगर एक दूसरे के बीच प्यार है तो कमियां भी सहने की शक्ति मिल जाती है। बेटा सोचना, अगर दोनों ही एक जैसे हों जिंदगी नीरस हो जाएगी ना। अरे भाई आज सुबह सुबह शहर पर हवाएं कह रही थी कि मेरी बिटिया आने वाली है। कैसी है बेटा तू, जीती रहे? हनी
अरे जीती रहे। और कैसा रहा हनीमून? चीफ, अच्छा। अच्छा ये बताओ कि कब तक रहोगे यहाँ? ओफो, अरे अभी अभी बिटिया आई है और अभी से तुम जाने की बात करने लगी। देखिए, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। मायके में आते ही जाने की बात की जाती है। अब इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? जान जाए पर लच्छन ना जाए। अच्छा बेटा उषा, आज तो कढ़ी बनेगी ना, पकौड़े वाली है? हाँ हाँ बिल्कुल बाबू, और उसमें लगेगा लाल मिर्च का तड़का। हाँ हाँ बनाते हो ना? अम्मा अम्मा, आपके लिए मूंग की दाल बना दूं? नहीं नहीं, इतना भी क्यों कष्ट कर रही हो, खाली पानी पिला देना हमें। हाँ अरे नहीं अम्मा, आप कढ़ी पचा नहीं पाती ना, इसीलिए कह रही हूँ। अरे तो हम कौन सा पतीला भर कढ़ाई खाएंगे, इतनी सी कटोरी तो खाएंगे, सबको हमारे खाने पर नजर रहती है बस। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, उषा बिटिया तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रही है इसलिए बोल रही है। माँ जान जाए पर लच्छन ना जाए। मैं यहाँ क्यों आया हूँ यार? फोटोग्राफ से? हाँ लेकिन फोटोग्राफ तो नौकर के हाथ भी बजा सकता था। नहीं भाभी डियर ने कहा कि फोटोग्राफ देकर आनी, इसीलिए मैं आया हूँ। फोटोग्राफ दूंगा और चला जाऊंगा। प्लान बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्स के बाद मैं क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी, तब तक मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा और तब तक मेरा बेसिक कोर्स हो जाएगा, उसके बाद मैं एडवांस करूंगी एक साल का और फिर मुझे जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, घर से शुरू कर सकती हूँ। अब तो साची बेटा श्रेया की जल्दी से जल्दी शादी करा ली। ओफो माँ, मैंने शादी के लिए थोड़ी ना जॉब की बात की थी। हाँ मुझे भी शादी करनी है लेकिन। मैं समझ रही हूँ, मुझे बात करने दे अब साची से। साची कोई अच्छा लड़का तेरी नज़र में हो तो बताना मुझे। तेरे ससुराल में तेरी भाभियों के कोई भाई भाई नहीं है अपनी श्रेया के लिए? चलो ठीक है कोई नहीं, इसका भी इश्तिहार छपा देंगे। और क्या। अबे कहाँ फंस गया यार? श्रवण बेटा लिफाफा रख और निकल ले यहाँ से। क्या बात है दामाद जी, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो भाई, कब आए? पत्नी जी को निहारा जा रहा है। मैं भी निहारा करता था, अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन बस कभी कभी, क्योंकि अगर उषा जी को पता चल जाए तो भाव खा लेना। और तुम बताओ? मैं वो ऐसे ही कुछ नहीं, मैं बनाने नहीं आया, मतलब बताने नहीं आया। मैं फोटोग्राफ नहीं, बस मैं जाता हूँ। नहीं मैं आ रहा था साची, वो ले, 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 ले। यार मुझे लगता है बहुत गर्मी है इसलिए जो तुम बोल रहे हो ना तो मुझे समझ में आ रहा है और ना ही तुम्हें। चलो अंदर चलते हैं। अरे आओ भाई। अरे देखो भाई कौन आया है। अरे बाबू। अरे श्रवण तुम यहाँ, और इसी की तरह सवेरे सवेरे, तुम लोग दोनों सोते नहीं हो क्या? जीजू व्हाट अ सरप्राइज। क्या भाई अभी से साची को लेने चले आए? अरे नहीं बाबू, ये माशे तो बाहर से ही साची को देखकर आहे भर कर वापस जाने की सोच रहे थे। हाय हाय जान जाए पर लच्छन ना जाए, साची की याद आ रही थी क्यों? ये लड़कर आई है ये। तुम जब भी बात करोगी ना लड़ाई की ही बात करोगी। अरे भाई इसकी बात का बुरा मत मानना, अपने घर आने के लिए कोई वजह थोड़ी पूछता है, है?
अरे पूछ रहे हैं ऐसे आप ही ना। नहीं नहीं मैं तो वो निधि डियर ने, मेरा मतलब है निधि भाभी ने कुछ सामान भेजा था साची के लिए, मैं बस जा रहा हूँ। अच्छा मतलब अपने आप से नहीं आए तुम है? साची की याद नहीं आई तुम्हें? अरे हाय ऐसे कैसे जाने देंगे, नाश्ता खा के जाना पड़ेगा। आओ 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 आ जाओ आ जाओ नहीं अरे चलो अरे भाई ले जाओ ऐसे अंदर। हाँ मैं एक पराठा, अरे बस गरम गरम है अभी निकालो ना। हाँ आप लेंगे पराठा? दरअसल मैं तुम्हें ये देने आया था। क्या ये याद है? फोटोग्राफ फाड़ क्यों रही हो? यादें खत्म कर रही हूँ। आज इन तस्वीरों के साथ मैं आपसे जुड़े हर रिश्ते को, आपसे जुड़ी हर याद को खत्म कर देना चाहती हूँ। तो कर लो कोशिश, मैं भी देखता हूं तुम क्या भुला पाती हो। कोशिश करके भी नहीं भुला पाओगी वो दिन जो हमने दोस्त बनकर साथ बिताए हैं। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो साची, कि मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी की है, कोई बदसलूकी की है? इतना कुछ हुआ हमारे बीच पर एक बार भी मिसबिहेव नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। ये क्या कह रहे हैं आप, क्या गलत कहा मैंने? जो कुछ हुआ उसकी माफी मांग चुका हूं मैं। इतना सब कुछ हो गया तभी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं, क्या इंसाफ नहीं है ये? आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना श्रवण जी, कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचते ना, ये सेल्फिश है आप। सेल्फिश मैं? सेल्फिश तुम हो गई हो साची, घर छोड़ाई, घर वालों के बारे में एक बार सोचा नहीं, ये नहीं सोचा उन पर क्या गुजरेगी। वो घर वाले जो तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं तुम पर, कम से कम मैं आपकी तरह उनसे झूठ तो नहीं कह रही हूँ, उन्हें धोखा तो नहीं दे रही आपकी तरह।